हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसमें से हर कंपटीशन में पूछा जाता है। अब पहली इम्पोर्टेंट बात, संकरण में कौन से कक्षक भाग लेते हैं? तो संकरण में सभी प्रकार के कक्षक भाग लेते हैं, चाहे वो खाली हों, चाहे वो अर्ध भरे हों और चाहे वो पूर्ण भरे हों। खाली कक्षक, अर्ध भरे कक्षक, पूर्ण भरे कक्षक। अब अपने जो इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो है सहसंयोजक यौगिकों का संकरण। तो सहसंयोजक यौगिकों के संकरण में 6 प्रकार हैं, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। अब सबसे पहली बात करें sp की, तो इसमें एक कक्षक s और एक कक्षक p, यानी टोटल दो कक्षक भाग ले रहे हैं, एक s और एक p, तो दो कक्षक इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें देखें एक s दो p, यानी इसमें तीन कक्षक भाग ले रहे हैं। इसमें देखें तो एक s sp3 में देखें तो एक s और तीन p, यानी टोटल चार कक्षक भाग ले रहे हैं। ऐसे ही sp3d में देखें तो s1 p3 और d1, s1 है, p3 है और d1 है, तो टोटल पांच कक्षक इसमें भाग ले रहे हैं sp3d के अंदर। अब sp3d2 की बात करें तो s कितने हैं, 1, p कितने हैं, 3 और d कितने हैं, 2, तो यानी टोटल 6 कक्षक भाग ले रहे हैं। वहीं sp3d3 की बात करें तो s कितने हैं, 1, p कितने हैं, 3 और d कितने हैं, 3, तो टोटल 7 कक्षक इसमें भाग ले रहे हैं। अब संकरण, किसी अणु का संकरण कैसे फाइंड करते हैं? तो इसके सिंपल दो मेथड हैं। एक तो जो केंद्रीय परमाणु होगा उसके हमने बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन लेने हैं और उसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं। एक तो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन और उसने बॉन्ड कितने बना रखे हैं, उन दोनों को जोड़कर दो का भाग देना है, तो हमारे पास कितने कक्षक भाग ले रहे हैं संकरण में वो रिजल्ट आ जाएगा। जैसे CH4 की बात करें तो केंद्रीय परमाणु कार्बन के बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4, अब बॉन्ड कितने बना रखे हैं इसने, 4, तो 8/2, 4, तो जब 4 कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं तो इसका मतलब वो संकरण sp3 है, sp3। अब ऐसे ही NH3, तो N के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड कितने बना रखे हैं इसने, कितने H जुड़े हैं इसके साथ, 3, तो 5 और 3 8, 8 में 2 का भाग दिया तो आंसर आया 4, 4 आंसर आया, तो इसका मतलब 4 कक्षक इसमें भाग ले रहे हैं जिसमें से एक S है और 3 P है, तो आंसर अपना आ जाएगा sp3। अब बात करें XeF2 की, तो XE जिनोन एक अकिरे गैस है और अकिरे गैस के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अकिरे गैस के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, और F कितने जुड़े हैं इसके साथ, 2, तो इसका मतलब इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्य कोश में, 2 बॉन्ड इसने बना रखे हैं, तो टोटल हो गए 10, 10 में 2 का भाग दिया तो आंसर आया 5, 5 आंसर आया, यानी इसके हाइब्रिडाइजेशन में संकरण में 5 कक्षक भाग ले रहे हैं, तो एक S, 3 P और 1 D, तो टोटल 5 कक्षक भाग ले रहे हैं, तो sp3d संकरण इसमें आ जाएगा। अब ClF3 की बात करें तो Cl हैलोजन है, हैलोजन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन 7, बॉन्ड कितने बना रखे हैं, F कितने जुड़े हैं इसके साथ, 3, तो टोटल हो गए 10, तो 10/2 करेंगे तो 5, तो इसका भी संकरण निकलेगा sp3d। तो पहला मेथड तो ये मेथड जो है सभी जगह लागू नहीं हो पाता। जिन यौगिकों में पाई बंध बहुआ बंध होता है,
पाईबंद होता है उनमें इस तरीके से हम संकरण नहीं निकाल सकते। लेकिन जो दूसरा मेथड है वो 100% यानी किसी भी मॉलिक्यूल पर आप उस मेथड को फॉलो करें ये 100% लागू होगा ही होगा, चाहे वो पाई बॉन्डेड हो और चाहे वो सिग्मा बॉन्डेड हो, चाहे वो एक आबंदी हो चाहे वो बहु आबंदी हो, ये मेथड 100% लागू होता है। इस मेथड में अपने को सिग्मा बंद और लोन पेयर जोड़ने हैं केंद्रीय परमाणु के, सिग्मा बंद और लोन पेयर। जैसे अब सेकंड मेथड से इसको क्लियर करता हूँ, सेकंड मेथड ही प्रेफर कीजिएगा क्योंकि इसमें मिस्टेक होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती। अब पहला एग्जांपल CH4, तो C के साथ कितने जुड़े हैं हमारे पास, चार, 1, 2, 3, 4। अब कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना लिए यहाँ, 4, 1, 2, 3, 4, 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों के चारों बॉन्ड बनाने में गए, एक इस बॉन्ड में, एक इस बॉन्ड में, एक इस बॉन्ड में और एक इस बॉन्ड में। कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों के चारों बॉन्ड बनाने में गए, तो क्या कोई लोन पेयर बचा, नहीं कोई लोन पेयर नहीं बचा। तो सिग्मा बंद कितने बने, 4, सिग्मा बंद बने कितने, 4, सिग्मा बंद बने 4, लोन पेयर कितने बचे, 0, लोन पेयर कोई बचा नहीं, तो 4 + 0 = 4। तो जब 4 आंसर आया तो संकरण हाइब्रिडाइजेशन जो निकलेगा वो sp3, अतः CH4 में कार्बन का जो संकरण है वो sp3 है। अब NH3 की बात करें, NH3 तो N के साथ कितने जुड़े हैं, 3, 3 जुड़े हैं, तो ये तो फाइनल है कि 3 सिग्मा बॉन्ड यहां बने हैं। अब N आता कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे, N नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है। पहले कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, दूसरे में कितने, 5, तो अपने को आउटर शेल वाले ही देखने, कितने आउटर शेल में, 5, 5 में से एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में गया, एक इस बॉन्ड में गया, एक इस बॉन्ड में गया, तो 3 तो बॉन्ड फॉर्मेशन में चले गए, पीछे रिमेनिंग कितने रहे, 2, 2 का मतलब एक लोन पेयर, तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक लोन पेयर हो गया, तो ये सिग्मा बॉन्ड का नंबर लिखा हुआ है यहाँ देखेंगे आप इस जगह, तो ये सिग्मा बॉन्ड है कितने, 3, और ये लोन पेयर हैं कितने, 1, तो टोटल रिजल्ट निकला 4, तो जब टोटल रिजल्ट 4 निकला तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो इस प्रकार अमोनिया में जो नाइट्रोजन का संकरण है वो sp3। अब XeF2 की बात करें तो जिनोन, जिनोन जो है वो एक अकिरेगेंस है और अकिरेगेंस के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिनोन एक अकिरेगेंस इनर्ट गैंस है, इनर्ट गैंस के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब F जुड़े हैं इसके साथ 2, तो 2 F हमने जोड़ लिए इसके साथ, तो 2 बॉन्ड ये बना गया। अब 8 में से एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, 2 चले गए, रिमेनिंग कितने रहे, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिमेनिंग रहे। जब 6 रिमेनिंग रहे तो 2 तो सिग्मा बॉन्ड बन गए और लोन पेयर गिने, तो एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया और एक लोन पेयर ये हो गया, तो 2 तो बन गए सिग्मा बॉन्ड। अब यहां क्लियर करें, 2 तो बन गए सिग्मा बॉन्ड और 3 बच गए लोन पेयर, तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d, s1 p3 d1, तो टोटल 5। अब यहां मैंने वैसे शो किया हुआ XeF2 को। अब तो अगला एग्जांपल उठाया हमने CLF3 का, तो Cl एक हेलोजन है, हेलोजन का आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन 7, 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन ये F के साथ बॉन्ड बनाने में यूज कर गया, 3 F जुड़े तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, 1, 2, 3, रिमेनिंग कितने रहे, 4, 1, 2, 3,
चार। अब देखो तीन तो सिग्मा बॉन्ड बन गए और एक लोन पेयर ये हो गया और एक लोन पेयर ये हो गया, तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जोड़ने हैं अपने को, तो तीन तो सिग्मा बॉन्ड है और दो लोन पेयर है, तो तीन सिग्मा बॉन्ड और दो लोन पेयर, यहाँ देखें यहाँ लिखा हुआ है तीन सिग्मा बॉन्ड और दो लोन पेयर, तो टोटल आया पांच। जब पांच आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d। प्रिय स्टूडेंट, अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए यहाँ एग्जांपल छोड़े हैं मैंने, ये आप प्रैक्टिस करें अपनी इसकी और कमेंट बॉक्स में इनके एक एक करके आंसर लिखें कि क्या आंसर होंगे इनके, फिर अपने इसको टैली करेंगे। क्लियर। अब पाई बॉन्ड वाले भी देखें, तो ये CO2, अब पाई बॉन्ड वाले में CO2, तो CO2 में C के साथ डबल बॉन्ड O और इधर भी डबल बॉन्ड O, तो CO2 ये स्ट्रक्चर दिखाई हुई है यहाँ CO2 की, तो ये CO2 की स्ट्रक्चर होगी। अब कार्बन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, चार, चारों के चारों बॉन्ड बनाने में गए तो फ्री बचा कोई नहीं बचा, इसका मतलब लोन पेयर यहाँ जीरो है, लोन पेयर जीरो, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है और एक पाई है, और अपने को सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही लेने हैं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही कंसिडर करने हैं, तो एक तो पाई है तो पाई अपने को देखना नहीं, ये भी पाई है, पाई भी अपने को नहीं देखना, सिर्फ सिग्मा लेने हैं, तो सिग्मा कितने हुए दो, तो जब दो सिग्मा हुए हमारे पास यहाँ कंसिडर करें तो सिग्मा कितने हैं दो, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही लेने हैं, सिग्मा दो और लोन पेयर जीरो, तो यानी रिजल्ट आया अपना दो, तो जब दो रिजल्ट आया तो एक एस एक पी, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp। अब CO3-2, CO3-2 की स्ट्रक्चर देखें, तो C के साथ हमने तीन O जोड़े, एक दो तीन, तीन O जोड़ लिए C के साथ। अब आप देखें इसमें माइनस के कितने हैं, दो, तो माइनस एक माइनस दो, तो माइनस के दो भी हो गए। अब जिस O पर माइनस नहीं है उसके डबल बॉन्ड कर देंगे, वो दो बॉन्ड बनाता है, तो जिस ओ पर माइनस आ गया वो तो ठीक है, लेकिन जिस ओ पर माइनस नहीं आया उसके दो बॉन्ड पूरे कर देंगे। अब अपने को कार्बन कितने लोन आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखता है, चार, और कार्बन ने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए, तो फ्री कार्बन के पास कोई बचा नहीं, तो लोन पेयर कार्बन के पास जीरो है, लोन पेयर है जीरो। अब सिग्मा बॉन्ड गिनने, तो एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई है, फिर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें भी एक सिग्मा, तो कितने सिग्मा हुए, तीन सिग्मा। अब तीन सिग्मा है और जीरो लोन पेयर है, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा तीन, जब तीन आंसर आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। क्लियर, sp2। अब ऐसे ही n3- स्ट्रक्चर आप देखेंगे n3- की, तो इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड है, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर कोई है नहीं, फिर आगे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड होता ही सिग्मा है, ट्रिपल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड तो होगा ही सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और दो पाई होते हैं, तो अपने को सिर्फ सिग्मा ही जोड़ने हैं, तो कितने सिग्मा हुए दो सिग्मा, तो जब दो सिग्मा हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब ऐसे ही PO4-3, तो P के साथ चार हो, अपनी मर्जी से जोड़ लें, एक दो तीन चार, तो P के साथ चार हो जोड़ लिए, माइनस कितने हैं तीन, माइनस एक, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, माइनस एक माइनस दो माइनस का तीन, तो माइनस एक माइनस दो माइनस तीन, जिस ओ पर माइनस नहीं आया उसका डबल बॉन्ड पूरा कर दें। अब सिग्मा काउंट करें, पहले तो पी के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने पांच, पांचों के पांचों बॉन्ड बनाने में गए, एक इसमें गया एक इसमें गया एक इसमें गया एक इसमें गया और एक इसमें गया, तो पांचों के पांचों बॉन्ड फॉर्मेशन में गए, तो फ्री कोई बचा नहीं,
जब फ्री कोई नहीं बचा तो लोन पेयर जीरो हो गया। तो यहां देखें इस जगह देखें तो लोन पेयर जीरो हो गया। सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है और एक पाई है, लेकिन अपने को सिर्फ सिग्मा ही लेने हैं, पाई कंसीडर नहीं करना। तो सिग्मा कितने हुए? चार। अब इधर कंसीडर करें वापस, तो सिग्मा चार, तो चार सिग्मा है, लोन पेयर है नहीं, तो रिजल्ट आया चार। जब रिजल्ट चार आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब XeOF4 लास्ट एग्जांपल, फिर इसके भी प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल दिए हुए हैं। तो XE इनर्ट गैस होगी। इनर्ट गैस के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक O जुड़ा है और O जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड बना दिया। चार F जुड़े हैं तो 1, 2, 3, 4 F जुड़ गए। अब XE इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। अब 8 में से देखें आप, 6 तो ये बॉन्ड बनाने में यूज कर गया, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तो बॉन्ड बनाने में यूज कर गया, तो दो बच गए, तो यानी एक लोन पेयर बच गया, तो एक लोन पेयर हो गया। और सिग्मा काउंट करें तो डबल बॉन्ड में एक पाई है, तो सिग्मा तो एक ही हुआ डबल बॉन्ड में, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा और 5 सिग्मा, तो इसमें 5 तो सिग्मा है और एक लोन पेयर है, यानी टोटल 6 है, 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है। क्लियर? तो आपने टोटल जब हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो तो ध्यान रखें कि एक तो सिग्मा बॉन्ड लेना है और लोन पेयर लेने हैं। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का रिजल्ट आपका जो होगा वो संकरण बता देगा। अब प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल और दे रहा हूँ आगे। क्लियर? ये भी आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें अपने आंसर, फिर टैली करेंगे अपने इनको। क्लियर? थैंक यू।